तहे दिल से आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल दी अगस्त में। मैंने मछली की एक रेसिपी देखी थी जो बहुत ही अच्छी थी। मैंने बना के ट्राई किया, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैरिनेट करने के लिए मैंने कस्तूरी मेथी, नींबू का रस, लहसुन, ऑयल, नमक, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट बना के ले लिया है। मछली पे लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दिया लगभग आधे घंटे के लिए। एक बाउल में मैंने दो अंडा, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस डाल के इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। इसमें थोड़ी चीनी भी डाली है। तीखे में अगर हम थोड़ा सा चीनी डाल दें तो उसका स्वाद अधिक बढ़ जाता है। अब जैसे कि आधा घंटा हो गया है, इसको मैं धीमी आंच से तावे पे पका लूंगी। मैरिनेट किया हुआ मसाला उसमें हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल देंगे और ऊपर से कोई तेल हमें नहीं डालना है। अच्छे से पक जाने दें, पकने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। समय समय पर इसे हम पलटे की सहायता से पलट देंगे। इसे सावधानी से पलटे ताकि हमारी मछली टूटने ना पाए, पीस बनी रहे। जब हमें ऐसा लगे कि हमारी मछली अच्छी तरह से पक गई है, तब जो हमने अंडे का पेस्ट बना के रखा है उसमें चम्मच की सहायता से उसके ऊपर डाल दें। जैसा कि अंडे में हमने लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है, तो इसे धीमे आंच से पकाएं क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक कि ये पूरी तरह से पक ना जाए तब तक इसे ना पलटे, पक जाने पे पलटे की सहायता से पलट दें। इसको बनाते समय इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी। इस मछली का खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डिश चाहे तो आप मेहमान के आने पर या पार्टी वगैरह पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। मछली जब नीचे से अच्छी तरह पक जाती है तो पलटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक तरीका है कि आपकी मछली पक चुकी है। अगर हमारी डिश आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली डिश हम कौन सी डालें ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।